नजर डालते हैं इस खास खबर पर। चोर बाजारी तो मैं होगी पहले की आदत जो हट गई। चोर बाजारी तो नहीं की, लेकिन यश और आरती के नैना मिले जरूर। और इन नैनों की प्यार भरी बातों के बीच आ टपकी स्कूटी की किक, जिसके ठीक होते ही आरती के सिंघम ने आरती और स्कूटी दोनों का ही जिम्मा संभाल लिया। मन भव रूढ़े तन सिंह रूढ़े जब खबर रूढ़े के आवे। बता दे कौन है सिंघम। ए माइक में डालूंगा तो कहाँ पहुँच गए कैमरा। जहाँ आरती के सिंघम की दबंगाई ने हमें खूब डराया, वहीं यश की प्यारी प्यारी बच्चियों ने कर दी तारीफों की बौछार अपने पापा और नई मम्मी से एक साथ मिलने की खुशी में। बताइए जरा ये क्या है, ये बॉडी। मेरे पापा बहुत हैंडसम है। कैसी लगती है नई मम्मा? बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? स्माइल। अपने स्टफ टॉयज दोगे खेलने के लिए मुझे? सब खिलाऊंगी आपको। सब खिलाओगे आप? मेरे लिए किचन में भी कुछ बनाओगे? क्या बनाना आता आपको बेवकूफ बनाने के अलावा? बच्चों की दरियादिली देखकर आरती ने झट से उनके पापा यानी यश के सामने अपनी एक मांग रख दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, एंगेजमेंट में मुझे ये सॉलिटेयर दिया है, एक गाड़ी दे देते मुझे। स्कूटी से घूमती हूँ। नहीं, शादी के बाद ही गाड़ी मिलेगी। अभी क्या की शादी से पहले तक स्कूटी, मैं तो सोचा था साइकिल देने की। बच्चे दानी और पापा इतने कंजूस, सोच लीजिए आरती, कहीं यश आपको इस भरे पूरे परिवार को सस्ते में संभालने की जिम्मेदारी देकर ठग ना ले। मुंबई से सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट। और फटाफट से नजर डालते हैं टेलीविजन।